नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जब बेटियां जन्म लेती हैं तो उनके माता पिता बेटी के भविष्य को लेकर बचपन से ही चिंतित हो जाते हैं। पहले के समाज में अधिकांश लोग अपनी बेटी की शादी करवाने को ही बड़ी जिम्मेदारी समझते थे, मगर वर्तमान समय में एक अच्छे भविष्य के लिए सिर्फ शादी करना ही नहीं बल्कि अपनी बच्ची को अच्छे संस्थान से पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल बनाने की भी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि वर्तमान समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। आज की बेटियों का सपना होता है कि वह अच्छे संस्थान से शिक्षा लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पायलट, आईपीएस या फिर अन्य कई क्षेत्र में अपना नाम बनाए। हालांकि यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के खर्च भी लाखों में होते हैं, इसलिए कई बार माता पिता अपनी बच्चियों के भविष्य को सिक्योर कर पाने में असफल भी हो जाते हैं। इसके उपाय के लिए आप यह कर सकते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले से ही सेविंग करें और केंद्र सरकार इस उपाय को और भी ज्यादा कारगर बनाने के लिए अपनी योजना भी लेकर आई है, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत आप भी अपनी सुपर गर्ल के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं और इसके मदद से आप किस तरह अपनी बेटी के भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं वो भी बताएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत किया गया था। इस योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई और शादी में आर्थिक समर्थन देना है। आपको बता दें कि इसके तहत डाकघर और कुछ बैंक को तय किया गया है जहां योजना के नाम से खाता खुलवाना पड़ता है। इसके तहत माता पिता या गार्जियन बच्चे के जन्म से लेकर उसके 10 साल की उम्र तक ही खाता खुलवा सकते हैं। 10 साल से ऊपर के उम्र की बच्ची का खाता इस योजना के तहत नहीं खोला जा सकता है। शुरुआत में मिनिमम 1,000 रुपए जमा करवा कर खाता खोले जाते थे, पर अब मिनिमम 250 रुपए डिपॉजिट करना होता है। खाता खुलवाने की तारीख से 14 सालों तक आपको हर वर्ष मिनिमम 250 रुपया जमा करवाना होगा, वहीं अधिकतम आप 1.5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो हर महीने कितनी भी रकम को इस अकाउंट में जमा करवा सकते हैं। अभिभावक द्वारा 14 सालों तक किए गए निवेश के आधार पर ही ब्याज मिलता है। बताते चले कि सुकन्या समृद्धि योजना पर इस समय सालाना ब्याज दर 7.6% है। केंद्र सरकार की ओर से हर 3 महीने में इन ब्याज दरों को रिवाइज किया जाता है। इसके अलावा इस योजना में ग्राहकों को टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है। इस तरह से खाते को खुलवाने से आपको बेटी की पढ़ाई और आगे होने वाले खर्च से काफी राहत मिल जाती है। इस योजना में एक माता पिता या फिर गार्जियन एक बेटी के नाम पर ही केवल एक अकाउंट खोल सकते हैं और अधिकतम 2 बेटियों के नाम पर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। अगर एक बेटी का अकाउंट आपने खुलवा लिया हो और दूसरे बच्चे के जन्म लेने वक्त 2 जुड़वा बेटियां जन्म ले ले तो इस शर्त पर बाकी दोनों बेटियों को भी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद जब बच्ची की उम्र 21 साल हो जाती है तो यह खाता मैच्योर हो जाता है, जिसके बाद आपकी बेटी को फिक्स डिपॉजिट की रकम दे दी जाती है। अगर चाहे तो इस खाते को जारी भी रखा जा सकता है, जिससे उन्हें ब्याज मिलता रहेगा। मगर लड़की की शादी 21 साल पूरा होने से पहले 18 से 21 की उम्र के बीच अगर हो जाती है तो खाता खुद ही बंद हो जाता है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप बेटी के 18 साल पूरे होने के बाद पढ़ाई या फिर शादी के नाम पर भी रकम को निकाल सकते हैं, लेकिन आप स्थिति में 50% ही राशि निकाल पाएंगे, बाकी की राशि मैच्योरिटी पूरी होने के बाद आपको मिलेगी। जिन बैंकों को योजना के तहत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया गया है उनमें भारतीय स्टेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक को शामिल किया गया है। इन बैंकों में खाता खुलवाने के लिए आपको कुछ दस्तावेज भी लगेंगे। यहाँ आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके तहत खाता खोलने के लिए 3 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अस्पताल या सरकारी अधिकारी द्वारा प्रदान किया गया लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावक के निवास का प्रमाण पत्र, जो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या फिर टेलीफोन बिल, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जिसमें निवास का उल्लेख हो और पैन कार्ड या हाई स्कूल प्रमाण पत्र, ये भी खाता खोलने के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। बता दें कि इस योजना का लाभ HUF व NRI के बच्चियों को नहीं मिलता है, साथ ही खाता खोले जाने के बाद उसे भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपनी बेटी की सपनों की उड़ान में कोई बाधा नहीं लाना चाहते हैं तो 250 रुपए जैसे मामूली से रकम के साथ आज ही बैंक में जाकर सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटी के नाम अकाउंट खुलवाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।